फोर मिसिंग फीचर Xiaomi के डुअल फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में जो आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीर्वद गोपाल। सो आपने तो Xiaomi के डुअल फोल्डेबल स्मार्टफोन का टीजर देख ही लिया होगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाने से पहले अगर आप जाके बोल रहे हो और एक और जो सबसे ज्यादा आता है कमेंट, ये सब कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को पूरे देखिए। मैं सारा आपको अपने ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा, तो फिर आप भी कहोगे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं करके। ओके, तो पहला, ये जब भी आप इस फोन को फोल्ड करते हैं तो उसका कैमरा हाइड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा इसके टीजर में, जैसे ये फ़ोन को फोल्ड करता है ये फ़ोन का जो कैमरा है वो हाइड हो जाता है। यानी सिंपल ये है कि आपको इस फ़ोन को जब भी फोटो क्लिक करना है तो आपको टैबलेट मोड में यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें होता है क्या, जब आप इसे एज अ पोर्ट्रेट मोड यूज़ करोगे तो इसका जो पावर बटन है वो ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद आपको एक क्लासिक फीलिंग देगा, जो पुराने वाले फ़ोन से जितने भी क्लासिक फ़ोन थे उसमें आपको ऊपर साइड लॉक बटन मिलता था, सेम वैसे ही फीलिंग देगा। आप नोटिस किया होगा कि इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी नहीं है, फ्रंट कैमरा नहीं है और सेंसर है कि नहीं वो तो नहीं पता, शायद इनसाइड होगा सेंसर। लेकिन ये सब का एक सॉल्यूशन भी है, क्या है वीडियो पे बने रहिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब जो इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है इसका डिस्प्ले के ऊपर। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है स्मार्टफोन में, चाहे वो 4000 mAh को या फिर 5000 mAh के, वो रहता है स्क्रीन। इसका पहले में व्हाट्सएप होगा लेकिन सेकंड स्क्रीन ही रहता है। ओके, क्योंकि आपको जैसे कि पता है अब इसका इतना बड़ा डिस्प्ले तो बैटरी भी ज़्यादा खाएगा, बैटरी ज़्यादा खाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप इसे फोल्ड करें तो भले ये काम नहीं कर रहा ठीक है, लेकिन अगर इसका स्क्रीन ऑफ हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। स्क्रीन ऑफ हो जाता तो क्या होता कि बैटरी ज़्यादा बचता, या फिर वो डार्क हो जाता तो भी कम बैटरी यूज होता। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मिसिंग फीचर क्या है, तो अभी मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर Xiaomi ये करता है कि उसका जो फोल्ड होता है वहाँ पे वो फ्रंट कैमरा दे दे और थोड़ा सा नॉच दे दे साइड में, तो वहाँ पे आप अपना कैमरा भी डाल सकते हैं, प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा भी डाल सकते हैं। जैसे ही उसको फोल्ड करेंगे पोर्ट्रेट मोड में तो वो बैक एज अ बैक भी काम करेगा, जिससे आप पोर्ट्रेट मोड में भी क्लिक कर सकते हैं फोटो। तो सिंपल ये समझिए कि कोई भी उसको डालेगा तो सीधा ऐसे टैबलेट थोड़ी नहीं डालेगा जेब में, उसको तो पोर्ट्रेट करके या फिर फोल्ड करके ही डालेगा ना। किसी को सेल्फी लेना होगा तो सिर्फ एक साइड को खोलेगा, उसके बाद ऐसे करके सेल्फी ले सकता है अपने फ़ोन से, जो कि काफ़ी इजी हो। तो वही तरीका बेस्ट है अगर वो उसमें थोड़ा सा नॉच दे के फ्लैश और एक कैमरा डाल दे, या फिर दो कैमरा डाल दे एडजस्ट करके, जिससे वो बैक भी कवर हो जाएगा और फ्रंट भी कवर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ यार। जो फोर्थ है वो है टेम्पर्ड ग्लास। भले इस फोन में आपको जितना भी प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो गोरिल्ला ग्लास 5 का भी क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना ही पड़ेगा। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास उसमें नहीं लगाएंगे वो गिरेगा तो टूट जाएगा। तो एक बार बताइए इस फोल्डेबल फ़ोन के लिए आपको टेम्पर्ड ग्लास कहाँ से मिलेगा? ओके, क्योंकि अगर आप ऐसे इसे फोल्ड करेंगे या तो वो टूट जाएगा या फिर वो निकल के हाथ में आ जाएगा। तो देखते हैं Xiaomi उसके ऊपर क्या करता है, ये सब करे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। Xiaomi क्या करता है इसका कैमरा को Xiaomi, और दूसरा ये कि इसका टेम्पर ग्लास कैसे बनाएगा। ओके, सो फ्रंट कैमरा होना भी जरूरी है, अगर फ्रंट कैमरा नहीं रहेगा तो सेल्फी कैसे लोगे यार। ओके, तो क्या कैसे होता है लॉन्च? वैसे तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने में, कुछ कुछ चीज़ मैं ऑब्जर्व करके ये वीडियो बना दी। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीर्वद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।